हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं ये नागर कैसल फोर्ट। नागर कैसल जो है मनाली से रफली 20-21 किलोमीटर की दूरी पे है और ये टूवर्ड्स कुल्लू ओल्ड नागर रोड बोलते हैं इसको। मीन्स इसके इसी रोड के थ्रू आप डायरेक्ट चले जाओगे तो कुल्लू भी पहुँच सकते हो। और आज एक छोटा सा एक रोड ट्रिप है, मीन्स जब हमारा मनाली टूर चल रहा था तो हम लोग बीच में नागर फोर्ट भी गए थे, उसको नागर कैसल बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो आप रोड देख रहे हो ये मेन रोड से ही है। मीन्स जब हम मनाली से 20 किलोमीटर तक सीधे आ जाते हैं कुल्लू ओल्ड नागर रोड पे, तो वहाँ से लेफ्ट कट जाता है सीधा ऊपर नागर कैसल फोर्ट के लिए। आपको रोड से ऊपर ही नागर कैसल दिख जाएगा। तो आप जैसे अब रोड देख रहे हो, ये रोड बड़ा मीन्स कंजस्टेड रोड है, पतला रोड है। अगर आप एक्सपर्ट हो गाड़ी ऊपर चढ़ाने में, और क्योंकि यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, देखो जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो इस गाड़ी को अब यहीं पास देना पड़ रहा है। मींस बहुत कंजस्टेड है, नीचे खाई है, और मतलब ये कोई मेन हाईवे नहीं है, एक लिंक रोड है। तो फोर्ट जो है क्ली लिंक रोड पर बनाया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ना, हमको भी खुद को कितना मुश्किल हो रहा है। बट अगर आप ड्राइवर के साथ कैब हायर करके आए हो तो ड्राइवर आपको ऊपर तक ले जाके छोड़ सकता है। ऊपर अगर उसको जगह मिल गई पार्किंग की तो ऊपर लगा देगा, नहीं मिले तो फिर वो नीचे उसको नीचे लाना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग गए थे तो उस दिन हल्की फुल्की बारिश लगी थी, तो तभी आप रोड देख रहे हो गीला है। और टूरिस्ट बस ऐसे चलते रहते हैं क्योंकि नीचे बसेस भी आती हैं ना, जो बसेस नीचे छोड़ती हैं। तो ये सब लोग कुछ गांव के लोकल हैं, कुछ आसपास के एरिए के हैं, तो सब ये लोग ऊपर नागर फोर्ट ही मीन जा रहे हैं या अपनी दुकान पर या घर पर जा रहे हैं। तो और ऊपर पार्किंग इतना प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ ऐसे लगती हैं रोड के साइड पे, जैसे आप देख रहे हो। और ये पूरा चढ़ाई है, चढ़ाई मीन्स आपको वही सेकंड गियर पे गाड़ी ऊपर चढ़ने पड़ती है, और सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो वही फर्स्ट गियर डाल के आपको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। इसमें ऊपर टेम्पो ट्रैवलर्स भी चला जाता है, इनोवा, क्रिस्टा, अर्टिगा, डिज़ायर, सब गाड़ियाँ चली जाती हैं। और आप देख सकते हो हम लोग भी ऊपर ही जा रहे हैं। और ऊपर आपको बताता हूँ आज नागर कैसल फोर्ट कि कैसा कैसा है। रोड ऐसे ही है जैसा आप देख रहे हो, मेन रोड से वही 1-2 किलोमीटर ऊपर है, मतलब नीचे मेन रोड छोड़ के ऊपर चढ़ाई पर आना पड़ता है। तो ये तो जब हम ये हमारा जून का पीरियड था, मई एंड जून फर्स्ट वीक के बीच का, तो उस टाइम टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा रहता है तो ट्रैफिक रहता है। और धीरे धीरे अभी आजकल तो ट्रैफिक कम है तो आपको इतना गाड़ियों का मूवमेंट नहीं दिखेगा। हाँ, लोकल कैब्स आपको दिखेंगी, बट इतना आउट स्टेशन वाले ये जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो कम दिखेंगे। एनीवेज बस यही है, और अभी हम चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप, और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छे अच्छे आपको मनाली के वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आपको और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और आप जब भी मनाली आते हो तो आप पहले से अपने ट्रैवल एजेंट को या टैक्सी वालों को बोल सकते हो कि हमको नागर फोर्ट भी देखना है। मीन्स नागर फोर्ट इज़ अ गुड वन, अच्छा फोर्ट है और अच्छा आउटिंग हो जाता है। एक दिन आप आराम से हाफ डे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, और मीन्स आपको मतलब अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतनी दूर आए हो और आपको कैसा मिला। अब यहाँ देखो रोड कंजस्टेड है ना, तो पास लेने के लिए कितना पतला रोड है कि एक टाइम पे उसमें बस एक ही गाड़ी आ सकती है। और बस ऐसे ही है, बाकी अब देखो अब ऊपर जा रही है हम लोग, बस ये टर्न लेंगे और इस टर्न के बाद हमारा ऊपर का नागर का फोर्ट का जो भी मतलब उसका आउटर एरिया शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जितना ऊपर जाएंगे ना उतना कंजस्टेड होता जाएगा। इसमें जितना ऊपर हम लोग पहुंचते जाएंगे ना, जैसे जैसे फोर्ट नज़दीक आता जाएगा वो रोड उतना कंजस्टेड होता जाता है। और अब साइड में राइट साइड में देख रहे हो कितनी गाड़ियां। देखो हम ऊपर पहुंच गए, ये कैसल फोर्ट आ गया। मीन्स ये जो आप सामने देख रहे हो कैसल फोर्ट है। अब हम थोड़ा सा और ऊपर चले गए पार्किंग ढूंढने, बट पार्किंग हमको मिलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत कंजस्टेड है। हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं ऊपर आया था तो मुझे आइडिया नहीं था कहाँ का, बट यहाँ देखो कहीं भी पार्किंग नहीं है, सब जगह लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं। और अगर आप ऐसे कि लेफ्ट राइट में लगा दोगे ना तो फिर वो और भी कोई गाड़ी जब जाएगी तो आपकी गाड़ी को डैमेज करता हुआ रगड़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड था, यहाँ पे गाड़ियाँ थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से यू टर्न लेते हैं। तो हम क्योंकि फोर्ट नीचे था और नीचे मतलब 100 मीटर पीछे फोर्ट था, फोर्ट की एंट्री थी, तो फोर्ट की जो पार्किंग है बहुत छोटी है और वहाँ पे कुछ नहीं होता। फोर्ट के साथ एक और मतलब 100 मीटर नीचे एक और पार्किंग है, वो मैक्सिमम फुल रहती है। और ये देखो ये कैसल आ गया था। कैसल बेसिकली एक होटल भी है, हिमाचल टूरिज्म इसको ऑपरेट करता है। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन रूम्स बुक करके भी रह सकते हो, मीन्स आपको पुराना टच मिलेगा, रॉयल फैमिलीज कैसे रहती थी उनका टच मिलेगा। मीन्स अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे, आई थिंक
10-15 रूम्स तो हैं जो मैंने देखे थे, और ऑनलाइन बुक होता है आई थिंक 7-8-10,000 के आसपास पर नाइट के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। मीन्स ये एक फोर्ट भी है प्लस एक टूरिज्म के थ्रू ऑपरेटेड होटल भी है मीन्स ओल्ड स्टाइल में, और यहीं से हम टिकट परचेज करते हैं। टिकट काउंटर है जो ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये सामने टिकट काउंटर है, ये एंट्री फी जो लिखा है यहाँ पे 50 रुपये का टिकट मिलता है, और बच्चों का 5 to 6 years तक के फ्री होते हैं और बड़ों का टिकट लगता है। ये अंदर अब हम फोर्ट में पहुँच गए। ये पूरा फोर्ट वुडन और मीन्स पत्थरों से ही बनाया गया है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है पूरा, बट फोर्ट बहुत सॉलिड है। आपको देख के लगा कि पुराने जो मतलब राजा ने जो बनाया है, ये मीन्स बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन है। और फोर्ट बस आप ऐसे घूम सकते हो, अंदर अंदर आप रूम्स देख सकते हो, मीन्स जो होटल्स के अंदर रूम है इसी के अंदर जो होटल्स के वो रूम्स हैं वो तो आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, वो तो जो जिसने बुक किया वही जाएगा, बट आप बाहर से रूम देख सकते हो, पूरा गैलरी घूम सकते हो और फोटोज खींच सकते हो, फोटोग्राफी अलाउड है, जितना मर्जी फोटो खींचो, और सब कुछ है पूरा फोर्ट लकड़ी वुडन और उसके उसमें बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है अंदर, आप अगर अच्छा वो करना है डिनर लंच कर सकते हो, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मीन्स अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, और मीन्स सस्ता तो नहीं है बट ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल से थोड़ा ऊपर ही है, मीन्स अच्छा रॉयल आपको रॉयल अच्छा वो देगा। और इनका रेस्टोरेंट क्या है कि एक तो फर्स्ट फ्लोर में जो इनर उसमें वो भी वुडन और पूरे ओल्ड टच देता है, और आप बाहर जो कॉरिडोर होता है उसमें बैठ सकते हो। अब ये देखो पूरा फोर्ट का अंदर का एरिया है, मीन्स फोर्ट में ऐसा एक कोर्टयार्ड है, आप यहाँ पे फोटोज खींचो, सामने का व्यू बहुत अच्छा है। ये सब टूरिस्ट हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हो सब यहाँ पे टूरिस्ट ही घूम रहे हैं। और ये जो कैब वाला, ये मैम ये मेरी पीछे से वॉइस आ रही है, और बस आप ऐसे ही घूमते रहो और टाइम पास अच्छा है बहुत। ये देखो सामने ये कुल्लू वैली पूरी दिख रही है आपको, ये पूरा पहाड़, ये वेदर, ये सब कुल्लू वैली है। आप फुल डे यहाँ से इन्जॉय कर सकते हो, आपको मीन्स रिग्रेट नहीं होगा कि आप इतनी दूर आए। अच्छा है, काफ़ी टैक्सी वाले यहाँ अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा किलोमीटर गाड़ी चलाने पड़ती है, क्योंकि मनाली से 20 किलोमीटर आना जाना 40 किलोमीटर होता है, तो उनको लगता है कि फोर्ट कुछ नहीं है, बट फोर्ट अच्छा वर्थ है, आप अगर आप जा सकते हो तो आपको जाना चाहिए। और ये बस सामने का दोस्तों व्यू देखो आप पहाड़ों का, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आके, और रियली मतलब वर्थ है, और मीन्स अच्छा है। और डिनर लंच भी आप यहीं करो तो बहुत बढ़िया है। और देखो सामने का व्यू देखो आप पहाड़, ये यहाँ मनाली कुल्लू सब दिखाई देते हैं यहाँ से, मीन्स कुल्लू नज़दीक ही, कुल्लू यहाँ से हार्डली 7-8 किलोमीटर मतलब और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारा था डे ट्रिप अबाउट दिस नागर फोर्ट, और अब कुछ हमारे फोटोज़ आप देखो, फोटोग्राफी हमने जो की थी, ये मैं हूँ और ये बस थोड़ा छोटा मोटा फोटोग्राफी थी, और फैमिली ट्रिप था हमारा तो बस फिर वही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, होप यू लाइक इट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप शेयर करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कैब बुकिंग के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, हम लोग टैक्सी सर्विसेज देते हैं, आप लोग हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो फॉर टूर्स। थैंक्स।